जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में एसएसवी कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे। 2021 की परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, तो वीडियो को कंप्लीट बिना स्किप के पूरा जरूर देखेगा आप लोग। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें, से आने वाली सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। बनता है सुशासन दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री खालिस्तान के जन्मदिन पर आयोजित किया जाता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। भांगड़ा कहाँ का नृत्य है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, पंजाब। ध्वज गीत की रचना किसने की थी, तो ध्वज गीत की रचना की थी श्यामलाल गुप्त पार्षद। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, ऑप्शन डी, एस भंडार नायके। समाज सेवा के लिए मैग्सेसे पुरस्कार किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, ऑप्शन बी, फिलीपींस की सरकार। एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहाँ बना है, ऑप्शन ए, लखनऊ में। मिस वर्ल्ड पुरस्कार के प्रथम भारतीय महिला विजेता कौन थी, तो रीता फारिया। इनमें से कौन सा राज्य अपनी मधुबनी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, तो बिहार। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की कार्य अवधि कितनी होती है, तो 2 वर्ष। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है, तो शक संवत। भारत में निर्मित पहली बोलती फिल्म थी, तो आलमारा। सबसे पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था, तो देविका रानी। म्यांमार किस देश का परिवर्तित नाम है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, बर्मा। इनमें से किस देश की मुद्रा रुपया है, तो ये सभी मतलब सेशेल्स, मालदीव और मॉरिशस। गरबा या कह सकते हैं डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। निम्न में से किसको भारत रत्न और निशाने पाकिस्तान दोनों पुरस्कार मिले थे, तो मोरारजी देसाई। विश्व कवि या कवि गुरु के नाम से किसे जाना जाता है, तो रविंद्रनाथ टैगोर। बिहू किसका लोकप्रिय उत्सव है, तो असम का। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ, तो मुंबई। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो वचेंद्री पाल। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, तो एम फातिमा बीबी। चौथा खंभा किसका घोतक है, तो समाचार पत्र। जापान की मुद्रा क्या है, तो जापान की मुद्रा है येन। पहले भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन थे, तो सीवी रमन। विश्व में कौन सी भाषा अधिकतम लोगों द्वारा बोली जाती है, तो चीनी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो जेनेवा में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन बी, 5 जून। बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो ऑप्शन सी, कथक। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी, तो जवाहरलाल नेहरू। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं, तो 5। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है,
तो 5 सितंबर को। जापान की संसद को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए डायट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो प्रतिभा पाटिल। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए मीरा कुमार। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 15। एस अगेंस्ट ऑड्स किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो सानिया मिर्जा। किस मंदिर परिसर का आकार भव्य रथ के समान है, जिसमें पत्थर के नक्काशीदार पहिए, स्तंभ और दीवारें हैं? तो कोणार्क सूर्य मंदिर। निम्नलिखित में से कौन से एक भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादक थे? तो हरिप्रसाद चौरसिया। निम्नलिखित में से किस कवि ने कविताओं की किताब मधुशाला लिखी? तो हरिवंश राय बच्चन। संथारा खालिस्तान समुदाय का एक धार्मिक संस्कार है? तो जैन धर्म। भारत रत्न पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो इंदिरा गांधी। माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ के लेखक जो हैं वो कौन है? ऑप्शन डी महात्मा गांधी। क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो भारत। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम क्या है? तो भानु अथैया। अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक्स में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? तो निशानेबाजी। लाइफ ऑफ पाई के लेखक कौन है? ऑप्शन बी यान मार्टेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर से संबंधित है? तो ऑप्शन डी रॉप। भारत में किस शहर को महलों का शहर के नाम से भी जाना जाता है? तो कोलकाता। ओपेक देशों का संबंध है? तो ऑप्शन ए तेल से। प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन डी श्रीहरिकोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब एवं कहाँ किया था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा 18 मई 1974 पोखरण। निम्नलिखित में से कौन सा योगम सुमेलित नहीं है? तो आपको गलत वाला बताना है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा गलत, बाकी के जो तीन हैं वो सही हो जाएंगे। तो पहले हैं अमजद अली खां, ये हो जाएंगे सरोद। हरिप्रसाद चौरसिया, ये हो जाएंगे बांसुरी। निखिल बनर्जी, ये हो जाएंगे सितार वादक। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में प्रदान नहीं किया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार। भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष में कब छोड़ा? तो 1975। कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था? तो केरल। भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम शैक्षणिक उपग्रह कौन सा है? तो एडोसैट। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन बी 1969 ईस्वी। ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया था? तो जी शंकर कुरुप्पू। अगला है, हमारे राष्ट्रीय झंडे के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? ऑप्शन सी गहरा नीला। कंप्यूटर साक्षरता दिवस या कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। वह एकमात्र देश कौन सा है जिसके डॉक टिकट पर उसका नाम नहीं है? यूके। ग्रैमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो ऑप्शन बी संगीत के क्षेत्र में। भारत द्वारा चंद्रयान का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया था? तो 2008 में। युआन किस देश की मुद्रा है? तो चीन की मुद्रा है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन किया जाता है? 31 अक्टूबर को। अगला है, राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो कमलेश शर्मा।
निम्न में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र हवा से हवा में मार करता है? तो अस्त्र। प्रथम T20 क्रिकेट विश्व कप कब खेला गया था? तो 2007। आज का लास्ट डे ओलंपिक में हॉकी का खिताब सर्वाधिक किसने जीता है? भारत। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।